बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास सेकंड ईयर। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हमारा टॉपिक है एडिशन रिएक्शंस। जी, हमारा टॉपिक है एडिशन रिएक्शंस, या फिर रिएक्शन इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व। जिनमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगी उनको क्या बोलेंगे, वो एडिशन रिएक्शन होंगे। सबसे पहले हम एडिशन रिएक्शन में देखेंगे रिडक्शन। अगर हम देखें रिडक्शन क्या होती है, रिडक्शन है जी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम देखें रिडक्शन, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, वहाँ पे हमने पढ़ा था हाइड्रोजिनेशन के नाम से, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है ना। तो इसके लिए कौन कौन से कैटलिस्ट चाहिए, इसके लिए चाहिए निकल एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर प्लैटिनम इन एसिडिक सॉल्वेंट। इन दोनों में से कोई सा भी कैटलिस्ट होगा तो बेंजीन रिंग की क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, मतलब उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। अगर हम देखें, ये हमारे पास है बेंजीन, तीन डबल बॉन्ड है, तीन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर प्लैटिनम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब एक मॉलिक्यूल कहाँ पे ऐड होगा, अब आपको पता है ये क्या है, बेंजीन का एच है। यहाँ पे एक एक क्या है, एच का हाइड्रोजन का एटम है, सारी सिक्स पोजीशन पे, सिक्स पोजीशन जो है वो इक्विवेलेंट है। अब होगा क्या, जहां जहां पे डबल बॉन्ड है वहां वहां पे मॉलिक्यूल ऐड होगा। अब ये डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में है, इस कार्बन के और इस कार्बन पे। हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में से एक एटम इधर अटैच हो जाएगा और दूसरा एटम इधर अटैच हो जाएगा, इसको क्या बना देंगे, CH2, और ये भी CH2। इसी तरह से नेक्स्ट डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में है, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल टूटेगा, उसका एक एटम इधर ऐड होगा, दूसरा एटम इधर ऐड होगा, ये क्या बना देंगे, CH2। इसी तरह से तीसरा जो पाई बॉन्ड है वो टूटे, उसमें क्या होगी, एडिशन होगी किसकी, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की। एक हाइड्रोजन एटम यहां पे ऐड हो जाएगा, दूसरा यहां पे, ये क्या बना देंगे, साइक्लोहेक्सेन। क्या बन गया है, साइक्लोहेक्सेन, मतलब अल्केन बन गया है, साइक्लिक अल्केन बन गया है। हमारे पास डबल बॉन्ड जो था वो खत्म हो गया है, एडिशन हुई है, और ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, एडिशन रिएक्शन। एडिशन किसकी हुई है, हाइड्रोजन की, तो नाम क्या आ जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में। अगर आपको याद हो पीछे जो आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ा था, वहां पे था रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन बाय हेलोजिन। अब हेलोजिनेशन जब एडिशन रिएक्शन में आएगा तो डेफिनेशन क्या होगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द सॉरी एडिशन ऑफ हेलोजिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब अगर हम देखें, तीन पाई बॉन्ड है तो तीन मॉलिक्यूल ब्रोमीन के ऐड होंगे, हेलोजिन के ऐड होंगे। अब वो किस तरह से ऐड होंगे, अब इसमें क्या है, एक मॉलिक्यूल यहां पे आके अटैच हो जाएगा, हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन तो है ही, साथ में एक ब्रोमीन, क्योंकि पाई बॉन्ड खत्म होगा, एक ब्रोमीन का जो एटम है वो जाके यहां पे अटैच हो जाएगा इस तरह से। Br, H, Br और H, ठीक है। अब टोटल Br कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिक्स पोजीशन पे लगे हैं। नाम इसका क्या आ जाएगा, नाम आएगा जी हेक्सा ब्रोमो, पोजीशन इनकी मेंशन करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, यही वाला बन गया साइक्लोहेक्सेन दोबारा से। अब हम इनकी पोजीशन मेंशन करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, हाइफन हेक्सा, सिक्स ब्रोमीन है, हेक्सा ब्रोमो, आगे क्या आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बन गया बिल्कुल इसी तरह से, नाम क्या आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, ये होगा जी इसका नाम। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है वो है कम्बस्चन। कम्बस्चन क्या है, बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कंप्लीट बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सोल प्रोडक्ट क्या होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और साथ में हीट रिलीज होगी। अब अगर हम देखें, दो मॉलिक्यूल बेंजीन के इन द प्रेजेंस ऑफ 15 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, तो ये क्या देंगे, 12 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 6 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, ये है जी कंप्लीट कंबस्टन। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम देखें कैटलिटिक ऑक्सीडेशन को, तो कैटलिटिक ऑक्सीडेशन पीछे आप पढ़ चुके हो, उसमें आपने दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जिक्र किया था, वो क्या था? पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 और पोटाशियम डाइक्रोमेट। बेंजीन इन दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करता, बेंजीन ना तो पोटाशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, ना ही पोटाशियम डाइक्रोमेट के सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है। बेंजीन की अगर ऑक्सीडेशन करनी है तो किसकी प्रेजेंस में होगी? वनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में। हम क्या करेंगे? बेंजीन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। दो मॉलिक्यूल होंगे साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। मैलिक एनहाइड्राइड ये प्रोडक्ट बन गई है। एनहाइड्राइड का मतलब क्या है? कि रिमूवल ऑफ वाटर हुई है। इसका नाम क्या है? मैलिक एनहाइड्राइड। अब नेक्स्ट क्या होगा? मैलिक एनहाइड्राइड में हम वाटर ऐड कर देंगे। अब आपको पता है कि वाटर क्या है? HOH। इसका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, बस इतना समझिए कि इस तरह से ब्रेकेज होगी, ये प्रोटॉन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और OH यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ ये देखें, ये मेन प्रोसेस ऐसे रहेगा, सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, H, अगर हमने इसको देखें आगे C डबल बॉन्ड O, आगे यहां से ब्रेकेज हुई है ना, ये O ये वाला और प्रोटॉन जो आके यहां से अटैच हुआ था, अगले में ये CH सिंगल बॉन्ड कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, आगे क्या आके अटैच हुआ है? OH वाटर का, ठीक है। अब ये बन गया है मैलिक एसिड, ठीक है। अगर इसी में से वाटर रिमूव हो जाए, मतलब यहां से वाटर रिमूव हो जाए, इन दोनों की आपस में अटैचमेंट हो जाएगी, तो ये मैलिक एनहाइड्राइड बन जाए जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओजोनोलाइसिस जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस क्या है? एडिशन ऑफ ओजोन। ओजोन क्या है? ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। अब जहां जहां पे हमारे पास पाई बॉन्ड है, वहां वहां पे ओजोन के मॉलिक्यूल ऐड होंगे। यहां पे पाई बॉन्ड था, ओजोन O3 है, ये मॉलिक्यूल यहां पे ऐड हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहां पे है, तो यहां पे इस तरह से ओजोन का पूरा मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, यहां पे मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया है? बेंजीन ट्राई ओजोनाइड बन गया। तीन ओजोन ऐड हुए हैं, तो इसका नाम क्या होगा? बेंजीन ट्राई ओजोनाइड जी। ये क्या बन गया है? बेंजीन ट्राई ओजोनाइड। थ्री ओजोन के मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं, ये बेंजीन रिंग ही थी, हम पढ़ रहे हैं एडिशन रिएक्शन बेंजीन के। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में वाटर की प्रेजेंस में क्लीविज होगी। क्लीविज किस तरह से होगी? क्लीविज अब आपको, ये पहले क्लीव करेगा ऑक्सीजन, ये थर्ड वाली जो है ये निकल जाएगी, ठीक है, फिर उसके बाद क्लीविज होगी इस तरह से। अब ये क्या था? CHO, ये भी क्या था? CH और आगे O, ये बन गया C सिंगल बॉन्ड C, आगे HO और HO LDHD ग्रुप, तीनों मॉलिक्यूल इसी तरह से, और ये जो वाटर था ये हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये था जी हमारा ओजोनोलाइसिस। नेक्स्ट हम देखेंगे साइड चेन रिएक्शन। अब साइड चेन रिएक्शन क्या है बेंजीन के? कि अगर बेंजीन के ऊपर कोई सब्सिट्यूएंट अटैच है, सपोज मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, एन प्रोपाइल है, जो भी ग्रुप अटैच है, तो वो क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें क्या आ जाता है? KMnO4 और पोटाशियम डाइक्रोमेट, इन दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। पीछे हमने देखा था बेंजीन इन दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अगर साइड चेन है तो उस सूरत में रिएक्शन पॉसिबल है। अब क्या होगा? टोलुइन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। एटॉमिक ऑक्सीजन हमारे पास जनरेट होगी, 3 इसके एटम होंगे, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। ये क्या करेगी? यहां से दो हाइड्रोजन को हटा देगी और दो एटम जाके इधर अटैच हो जाएंगे, इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगी, और ये जो दो हाइड्रोजन निकले हैं वो मिलके क्या बना देंगे? वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे। नेक्स्ट उसके बाद रिएक्शन पॉसिबल है किसी भी लेंथ की चेन। यहाँ पे दो कार्बन भी हो सकते हैं मिथाइल की जगह, 3 कार्बन भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इतने कार्बन हो सकते हैं। अब रिएक्शन मेन क्या होगा? रिएक्शन मेन होना है कि सिर्फ एक कार्बन ने कन्वर्ट होना है किसके अंदर? बेंजोइक एसिड के अंदर। बाकी जितनी कार्बन भी अटैच है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर हम देखें इथाइल बेंजीन, तो KMnO4 के एसिडिफाइड सॉल्यूशन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, वो एटॉमिक ऑक्सीजन क्या करेगी?
इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगी, जितने भी कार्बन की लेंथ है चेन की, लेकिन प्रोडक्ट क्या आएगी, प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड ही आएगा। एक्स्ट्रा कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएंगे। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एलिमिनेट हो गया और साथ में हमारे पास ये जो हाइड्रोजन थे, एक इधर से निकला, तीन इधर से, उन्होंने मिलकर क्या बना दिया, दो वाटर के मॉलिक्यूल बना दिए। नेक्स्ट ये मैंने लिखा है कि बेंजीन रिंग ऑक्सीजन के KMnO4 के एसिडिफाइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करती। अब आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन बेंजीन एंड अल्काइल बेंजीन, तो उसका डिफरेंशिएट क्या है कि बेंजीन जो है ये KMnO4 के साथ रिएक्ट नहीं करती, जबकि अल्काइल बेंजीन जो है वो ये KMnO4 के पर्पल सॉल्यूशन को डीक्लोराइज कर देगी और उसके साथ रिएक्ट करके बेंजोइक एसिड बना देगी और साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्रोडक्ट बन जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्काइल बेंजीन ये रिएक्शन देगी लेकिन बेंजीन KMnO4 के साथ रिएक्शन नहीं देगी। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।